स्वागत है आपका हेमू बाबू व्लॉग्स में। तो गाइस 4:47 हो चुके और हम रवाना हो चुके। चाची वो निकल चुकी है आगे, देखो वो जा रही है, आपको दिख रही नहीं होगी गाइस क्योंकि अभी ठंड इतनी भयंकर हो रखी है। मैं चंदर रोड के आ चुका हूँ और मैं स्वेटर भी नहीं लग रहा है गाइस, दूध नहीं छड़ रही, हमारे पाउशा को पाउस चुका है बुरी तरह से यार। और गाइस दिख रहा नहीं यार, लाइट चला रहा हूँ ना खुद के ऊपर तो नीचे रोड पर दिख रहा नहीं है, लाइट बंद करनी पड़ेगी। और व्लॉग ऐसे बनता रहेगा, कंटिन्यू चलाते रहेंगे हम। और गाइस हमको नहाना धोना, कोई सतुना देखना पड़ेगा, देखा मैं सुविधा तो देखते रास्ते में नहीं, फिर अपन यहाँ पर पास में 4-5 किलोमीटर चाचा के दोस्त वहाँ पर कांटेक्ट करता हूँ मैं, देखा उनसे कितनी दूर है फिर वहाँ चलते हैं। देखा गाइस बहुत है, हाँ ठंड तो है ख़तरनाक। तो खाटू श्याम जी की यात्रा में कभी जाए पैदल तो स्वेटर वेटर लेकर जाए, दोस्त तो स्वेटर लेकर आए फिर भी दूस दूस कर रहा है। और चलते गाइस मिलते हैं, अरे रोड पर खड़े चलो, मेरे को दिख रहा नहीं गाइस। हाँ अब दिखने लग गया, फूल के टॉर्च से दिख रहा नहीं था। तो गाइस चलते हैं, बोल चाम प्यारे की जय, बोल खाटू नरेश की जय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। गाइस हमने है ना कल में 31 किलोमीटर कंप्लीट किए थे और आज यहाँ से रिंगस 40 किलोमीटर है, तो देखते कितने किलोमीटर कंप्लीट करते हैं अपन। रिंगस तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, पहुँच भी जाएंगे क्या पता, क्योंकि सुबह पहले निकल चुके हम। और अभी तो वैसे दर्द हो रहा नहीं है पाँव में, क्योंकि पिछली बार जो हो गई थी हमारी प्रैक्टिस उससे थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो इस बार क्या है ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपने पिछली बार देखा था मेरी हालत ख़राब थी, तो अभी तो मेरे को दर्द वर्द नहीं हो रहा है। और डॉगीज भौंक रहे गाइस हम पर, क्योंकि हम एलियन बन रखे गाइस। और चलते हैं देखते कितना किलोमीटर पहुँचते, आपको अपडेट मिलती रहेगी ब्लॉग। चलो भाई जय श्री श्याम। हेलो हेलो, इसे इधर देख लो, जय श्री श्याम बोल दो, जय श्री श्याम। हेलो हेलो हेलो, जय श्री श्याम, चलते जाओ शाम का नाम लेते जाओ। ढड़त बहुत जा रही है ना, चुपके चुपके जा रही है गाइस। बताओ कितनी सर्दी है, सर्दी लग रही है ना। हाँ और गाइस अपनी टीम बोली आगे चल रहे की जय। तीन घंटे देख ले रहा, वो करते जय श्री श्याम बोल दे फटाफट, जो ताकत आ जाओ, सर्दी कम लागे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये देख लो आंटी जी, जय श्री श्याम बोल दो, ताको वीडियो बन रहे थे यूट्यूब पे आवला थे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और मौसी सब बढ़िया। हेलो गाइस, क्या कर रहे हैं आप? ने बढ़ा दिया ना पीछे से, बढ़ाता हूं ला रहा हूं। 7 बज चुके हैं, फोन और रुक रखे थे पीछे, अब वहाँ पर गए नहीं क्योंकि आराम से कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आगे नहा लेंगे ना, देखेंगे नहाएंगे नहीं नहाएंगे और बाकी देखते हैं। और अभी उनको फ़ोन कराऊँ, अब तो उठे हैं वो, अब नहाएंगे धोएंगे फिर पता नहीं कितने बजे रवाना होंगे वो चाचा के दोस्त के से। तो अभी हम तो चल रहे हैं, लेकिन मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है गाइस, मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा, बहुत कम बनाऊँगा, 29% चार्ज बचा है, तो देखते कितना ब्लॉग बन पाएगा। अभी फ़ोन कर दिया लेकिन वो अब मिलना ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लेट आएंगे नहाएंगे धोएंगे फिर वो आएंगे ना, तो पता नहीं कितने टाइम लगेगा। और वो धीरे धीरे हो रहेंगे, मोच आ रखी है ना सोन के पाँव, तो कल भी उसको ले जाने में दिक्कत हुई थी, धीरे धीरे चल रहा था बहुत, तो अब देखते कितना टाइम लगेगा। अब तो फिर चार्ज करना शायद ही हो पाएगा, क्योंकि फिर रात को मिलेंगे ना कहीं रुकेंगे तभी चार्ज हो पाएगा फ़ोन। देखते थोड़ा छोटा मोटा ब्लॉग बनाऊँगा, और बाकी फ़ोन तो मैं चला रहा नहीं हूँ ज़्यादा, बस ये ब्लॉग बनाने के लिए चलाया हूँ, फिर भी इतना डाउन हो गया। हाय गाइस, हम घर चलते हैं भाई, खातक जाने का टारगेट है अपना, अब तो रिंगस तक, रिंगस तक का टारगेट है ना पक्का, पहुँच जाएंगे वहाँ तक, पहुँच जाएंगे, करते हैं ट्राई पहुँचने की, जहाँ तक होगा वहाँ तक तो चलेंगे, जब तक कोशिश कोशिश जारी। और चाची तू भी कहीं खेल, आज पक्का है रिंगस पहुंचने का, पक्का चाची का तो नहीं है दिक्कत, बस इनकी दिक्कत है वो बिरला चाची देखो सबसे पीछे, और चाची तो फुर्ती नहीं। चाची तू देख ले पिछले साल 3 यात्रा करी है,
एक खाटू श्याम जी की, एक कल्याण देने की और एक माता मन की बात बताता रहे माता जी की। वैसे हमारी चाची बहुत बढ़िया यात्रा कर लेती, तीन तीन यात्रा कर ली पिछली साल, तो चाची को टेंशन है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से चल लेती प्रैक्टिस से फुल। और काजल भी जाती है माता जी के यात्रा में, खाटू श्याम जी पहली बार आई है, और डिग्गी कल्याण देने की नहीं गई। चलते गाइस, जय श्री श्याम। अभी हम पहुंच चुके हैं चोमू पहले से, देखो जरा इसमें भूल भुलैया की शूटिंग। तो गाइस पीयूष जैसे कह रहा है भूल भुलैया जो मूवी थी उसकी शूटिंग इसमें हुई थी, इसमें हुई थी चोमू पैलेस में हुई थी। ये मेरे को नहीं पता, पीयूष बता रहा है। भूल भुलैया 2 की नारगढ़ पे पता है गाइस, तो आपको बता दें बना हुआ पिक्चर बनी थी ना घर था वो, अभी वो ये चोमू पैलेस। अमीजे तुम्हार चलो यार भैया घुमा रहे इनको। गाइस देखो कितने सारे बिल पत्थर लग रहे हैं। बिल बांटे। तो गाइस अभी 10 बज चुके हैं और हमने चोमू पार कर लिया है। चाची अब कौन सी रोड आगे सीकर रोड है? सीकर रोड पे एंट्री होगी गाइस, अब यहाँ से भंडारे आएंगे। सीकर रोड रवाना होके चल रही है। अच्छा तो गाइस ये रहा कट, यहाँ पर चोमू खत्म हो चुका है मार्केट, पूरा चोमू पीछे छोड़ दिया हमने। और गाइस सोहन की क्या है तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसका पाँव है ना सूज चुका है, उसकी क्या है मोच आ गई थी कल, और मोच आने के बाद वो 20-25 किलोमीटर चला, उसको मना भी किया था हमने कि भाई मोच आने के बाद चलना नीचे आराम करना चाहिए, तो क्या है उसके ज़्यादा पाँव सूज चुका है, अभी फ़ोन किया था हम, तो उसके लिए अभी गाड़ी का इंतजाम करवा रहे हैं। वो साहब और कह दिया कि कोई गाड़ी जाए ना तो उसमें बिठवा के घर भेज दे, तो वो यहीं तक मतलब अब ज़्यादा आगे चल नहीं सकता, फिर फालतू शरीर को दुख क्यों दे। और अभी भी 50 किलोमीटर से ऊपर पैदल चलना है, तो इसलिए आप उसको घर भेज रहे, देखा कैसे जैसे करके। और बाकी अभी भी है ना गोरोवर तो हमारे से 6-7 किलोमीटर पीछे, तो अब उनको कह दिया मैं अब उसको घर भिजवा देंगे, तो फिर देखते हैं गाइस क्या तबीयत ख़राब हो गई, फिर फालतू दुख दे शरीर को तो बाद में दिक्कत आए इसलिए। तो गाइस अभी 11:30 बज चुके हैं और हम नहा लिए गाइस, हल्का हो गया शरीर, पहले थोड़ा सा वजन भारी भारी सा लग रहा था, अब थोड़ा हल्का लग रहा है। मैं नहा लिया हूँ गाइस, और चाचू और अभी पीछे की साइड नहा रही है, और अभी पीयूष नहा रहे हैं, देखो यहाँ पर नाले। तो गाइस नहा लेते हैं, और सोनू तो जा चुका है गाइस घर पर, किसी के साथ मोटरसाइकिल में बैठा दिए थे, फिर आगे उतार दिया वो, फिर वो आगे बैठ गया होगा, अभी पूछ लेंगे। और हेवी और आगे जा चुके हैं, अभी चार्ज लूँगा उनसे, फिर चार्ज करूँगा फ़ोन, क्योंकि हमको 1.5 घंटे से ऊपर हो गया यहाँ पर रुके, तो आगे पहुँच गए, अब चलते हैं आगे, लोकेशन आ चुकी है उनके पास, और चार्ज लगाता हूँ फ़ोन को गाइस, क्योंकि रह चुका है अपने 19% चार्ज, तो चार्ज करते हैं और ब्लॉग बनाते हैं, फिर ब्लॉग तो बन ही रहा है। खैर गाइस 12:15 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं, ये यहाँ पर मिल चुके हैं गाइस, और मेरा पावर बैंक ले लिया मैंने, अब इसको चार्ज लगाता हूँ फोन को। और उत्तम कह दे कुछ ब्लॉग में क्या हो गया लेट कैसे हो गए हैं? हमसे पहले गए थे ना कल आगे, वो तो हम नहाने लग गए इसलिए। तो क्या उखाड़ ली ये बता, क्या उखाड़ लिए? अभी भी हमारे साथ ही हो, हम टाइम पे फ्री हो गए। कितना फ्री हो गए ये बता, हमको जगह की जगह सारी सुविधा मिल गई। अरे तो हमको भी सुविधा पूरी मिल गई, देख ले यहाँ पर आके ना आए तो यहीं पर ना साढ़े चार बजे उठ गए हम, तो 8 बजे 7 बजे उठ गए। तो तुम कल रात को कितने बजे तक चले थे बता, कितने बजे तक चले थे? 10 बजे कुछ नहीं पहुँचे थे, 10 बजे और हम 8 बजे वहाँ आराम से रुक गए थे। अरे हम पूरा काम कर लिए ऐसे थोड़ी है, अरे तो क्या हम तड़प तड़प के नहाए क्या? अरे तो दूध तो अभी और पी लेना जाए, वो तो तुम बैठ जाओ साथ में चल, चुपचाप बैठ जा,
रिंगेस पहुंच गया, दर्शन कर लेगा क्या? चुपचाप बैठ साथ में चलो। ऐसा ही पता है मेरे को। कैसा हो गया था उसका पाँव? सूज गया था। कोई बात नहीं, अपने अंकल जी घर से तो वहाँ तक तो आ रहा जाता है। अच्छा, जहाँ से तुम पैदल तक गए थे उससे भी आगे? चल तो 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लेना, कोई बात नहीं यार, चलता है इतना सा। बस एक बज चुके हैं और मेरा फोन चार्ज हो चुका है 74%। और अभी तक चाची और आएगी, पता नहीं कहाँ पर, अभी फोन करता हूँ। देखा, और गाइस नींद इतनी भयंकर आ रही क्योंकि रात को हम सोए नहीं। इसकी बात बताओ आप देगी। और उधर तो भी यहाँ पर और सो लिया, ये तो वहाँ पर सो गए थे मजे से पूरी रात, और यहाँ पर और सो लिया अभी 2 घंटे से, 2 या 2.5 घंटे। और ये उधर फिर वापस सो गया था, देखो नींद में उठा, और उठते ही बोला सुबह गई क्या ये तो इतनी नींद। यार थोड़ी देर हम आराम कर लेते हैं यार, यार हमको आराम करना है ना, और सो रहे हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, 5 मिनट ओनली 5 मिनट। मसाज करा रहे हैं यहाँ पर मशीन से चाची, और एक आगे भी है थोड़ी देर बाद में गर्म हो गई जानता ही। श्री श्याम आइसक्रीम खा लो, पॉपकॉर्न वाले पॉपकॉर्न 10 के दो 10 के दो फिर गए या तो फिर गए तो बोलो, ये बातें बताई नहीं जाती, पता है, पता है सबको। तू ज्यादा खाएगा तो नजर लगेगी साहब का का हल्का क्या के तेरे को कैसा लगा? सुबह से चौथी पांचवी बार जा चुके हैं इनका पेट खराब हो चुका, इन्होंने आइसक्रीम कुछ ज्यादा ही खा ली। तो गाइस 4:40 हो चुकी है और किसी की और गाइस है ना, हम सुबह 5 बजे से रवाना हो रखे हैं, चल रहे हैं, पर ये जो हमारे साथ लेडीज है ना गाइस, हमारी चाची और जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो हमारी जो चाची है ना 10 मिनट चलती है, 15 मिनट रुक जाती है, 15 मिनट आराम करती है। तो हमें ना 19 किलोमीटर ही चल पाए सुबह 5 बजे से 4:40 हो चुके हैं, और कल 35 चल गए थे 9 बजे से 4 बजे तक, कल 31 किलोमीटर और आज सिर्फ 19 किलोमीटर ही चल पाए अभी तक, क्योंकि 10 मिनट चल रही 15 मिनट बैठ रही, और रिंगस अभी यहाँ से 20 किलोमीटर है। अब पता नहीं रिंगस तक तो नहीं पहुँच पाएंगे इनके लखनऊ से, तो ऐसे लग रहा है मुझे क्योंकि ये बार बार रुक जाते हैं और फिर इनके कारण हमको रुकना पड़ रहा है। और बाकी 4 बच्चे आगे चल ही रहे हैं, वो तो का देखें, हाँ साहिब और उत्तम तो हमसे 10-11 किलोमीटर आगे हैं, और अभी उदय और हबेड़ अब जस्ट अभी अभी गए तो 1 किलोमीटर आगे जा चुके हैं वो हमसे, वो तो पहुँच जाएंगे रिंगस, और हमको कहीं बीच में रुकना पड़ेगा, वो तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते आज, और फिर बाकी कल का देखते क्या होगा। जय श्री श्याम, आज बस रिंगस तक पहुँचा है बस, बाकी सोचा तो यही था कि आज रिंगस तक पहुँचना, लेकिन मुझे लग रहा नहीं है नहीं पहुँच पाएंगे। और ये 8 मिनट जैसे ही आइए बोल तो रही है कि ना, वैसे भी कल रात को हमको नींद नहीं आई, हम रात तक चल चलेंगे, लेकिन जैसे रात होएगी ना, अरे हमारे से तो 40 बन जा रहे, अंडे बैठ जा, अंडे रुक जा पड़े बस की कौन है, कल पूरी रात ना तो खुद सोई ना। और गाइस हमको भी नहीं सोने दिया, सिर्फ हम 2 से 2.5 घंटे ही सोए थे बस, बातें कर रही थी, 2 बजे सोए थे शायद ना, और हमको तो अपन खुद सुबह नींद भी आने लग गई थी, नींद आने लगी तब लेकिन चलेगी ना, चलो अभी तो नींद नहीं आ रही थी गाइस, क्या करें। साढ़े 8 बज चुके हैं गाइस, और हम यहाँ पर बैठे थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, और अभी हमको 5.5 किलोमीटर और चलना है वापस, साहिब और रुक रखे तो वहीं पर रुकेंगे गाइस आज, आप सबको देख लो एक बार, ये पूरी मैं कब कौन करेड़ा
बिना बिना मेकअप के बढ़िया लग रहे थे तो नहीं नहीं बढ़िया लग रहे थे। और गाइस ये आंटी जी सूट पहन लिए आज वीडियो बना रहे खेच रहे कौन वीडियो एक नंबर थे बोल दो काई भी काई बोलूं जय श्री राम जय श्री राम और काई बोलूं चाचा जी और काई बोलूं बेटा थकान हो गई की गई थकान गति को भी अरे बड़े हमारा हाथ तक दुख रहे गोली ले लो अभी 9:15 बज चुके हैं और अभी हम साई मोड़ के पास जा रहे हैं। वैसे 4 किलोमीटर है यहाँ से लेकिन अभी इनसे चला नहीं जा रहा। यहाँ पर हमने खाना वाना खा लिया है, बढ़िया पंडाल है हमारे इधर, आइसक्रीम वाइसक्रीम उधर मिल रही है, पानी वानी और यहाँ पर बिठा के खिला रहे हैं और ये देखो डांस हो रहा है इधर। जय श्री श्याम। तो गाइस आज यहाँ रुके यहाँ पर सो जाएंगे, देखो यहाँ पर लोग बार रुकने की व्यवस्था है और अभी बढ़ती और भी आ रही है, देखा बढ़ती मिल जाए तो लोकेशन भेज दिया हमें। अभी तो दूर है, चौबू ही पहुँचे वो पैदल यात्रा जाएगी, रिंगस से आज ही आएगी और हम कल चले जाए यहाँ पर रुक के। Yeah.
18 मिनट हो चुके हैं और इस वीडियो को ये एंड करते हैं। बड़ी और रिंगस पहुंच चुके हैं, अब वो पैदल चलेंगे वहाँ से। तो इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं और बाकी सुबह मिलते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लोगों को, बाय।